नहीं, इसमें मेरा सीधा साधा पिता का रोल है, यथार्थ फिल्म के हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, मैं और ग्रेसी उनके माँ बाप का रोल कर रहे हैं, और जो हम यथार्थ का जो कैरेक्टर है उनके ज़रिए हम देखते हैं एक बच्चे की जर्नी, जो कि रियलिटी टीवी की दुनिया में कदम रखता है, और किस तरह रियलिटी टीवी की जो दुनिया है किस उतार चढ़ाव से उसको ले जाती है, उसके साथ माँ बाप को भी, जैसे जैसे बच्चे के साथ उतार चढ़ाव होते हैं उसी तरह माँ बाप की ज़िंदगी में भी होते हैं, और इसी बारे में है। और मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है आज के दौर के लिए, बिकॉज़ आज जबकि हम रियलिटी टीवी के दौर में हैं, इंटरनेट के दौर में रहते हैं, बहुत फोकस चीज़ें फटाफट होने पे हो गया है इंस्टेड ऑफ अच्छे से करने पे, और आई थिंक यही एक जो पॉइंट है ये फिल्म बनाती है कि हर सब चीज़ फटाफट नहीं है, कुछ सम थिंग्स आर अबाउट डूइंग इट वेल। सर देखा जाए तो जिस तरीके से आज के टाइम में चिल्ड्रन बेसिस फिल्में बनना बंद हो गए हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए कुछ ऐसा चाहिए, तो एक कितना मुश्किल होता है ऐसी फिल्मों को एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैंने कुछ महीने पहले एक और मैं चिल्ड्रंस फिल्म कर रहा था, तो मैंने ये कहा था जब मुकेश खन्ना जी भी थे जो हमारे CFSI के आई थिंक आउटगोइंग चीफ हैं, जो कि हम हॉलीवुड में अगर आप देखें वेस्ट में तो लगातार चिल्ड्रंस फिल्म बनती हैं, और मैं चिल्ड्रंस फिल्म जब मैं कह रहा हूँ तो स्पेसिफिक चिल्ड्रंस फिल्म, नॉट के पूरी फैमिली ऑडियंस वाली जो होती है ब्लॉकबस्टर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक जो कि बच्चों की लाइफ के बारे में कहानियाँ हों, और इनफैक्ट इस फिल्म के बाद मैं दो और कर चुका हूँ, बिकॉज आई थिंक जब से मैं खुद फादर बना हूँ ना मेरा ध्यान अब इन चीज़ों पे जाता है, इनके ये कहानियाँ जो हैं मैं करना चाहता हूँ, सो इसके बाद मैंने दो और चिल्ड्रंस फिल्म की हैं जिनमें भी आई थिंक द सेम दैट जो वैल्यूज़ हमें इनकलकेट करनी चाहिए बच्चों में वो उन बारे में हैं। एंड आई थिंक जनरली हमारे यहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितनी बननी चाहिए चिल्ड्रंस फिल्म नहीं बनती है, अलबत्ता जो ब्लॉकबस्टर फैमिली फिल्म्स हैं वो भी उतनी नहीं बनती हैं, क्योंकि उनमें भी कुछ वो क्या कहते हैं मुन्नी आ जाएगी या यू नो बच्चा पैदा हो रहा है तो दबंग देख रहा है कुछ और देख रहा है मार खा देख रहा है, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, सो आई थिंक बच्चों फ्रेंड जो किड्स फ्रेंडली एंड किड्स सेंट्रिक फिल्म्स कम बनती हैं हमारे यहाँ, लेकिन और बननी चाहिए। आई एग्री विद यू। सो जैसे आपने कहा कि आप खुद एक पिता हैं तो आज